संपूर्ण भारतवर्ष में लोकप्रिय मीराबाई एवं श्री चारभुजानाथ का यह मंदिर भक्तों के आकर्षण एवं आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में मीराबाई की संगमरमर से निर्मित आदमकद प्रतिमा को देखकर हर कोई अभिभूत हो जाता है। मीराबाई की प्रतिमा को गौर से सप्रेम देखते रहने पर यह आभास होता है कि मीराबाई साक्षात हमारे सामने खड़ी है और कृष्ण भक्ति में लीन श्री चारभुजानाथ की प्रतिमा को एक टक निहार रही है। इस मंदिर में श्री राम दरबार, श्री शंकर भगवान, श्री रामदेव जी, श्री हनुमान जी, श्री राधा कृष्ण, माँ संतोषी आदि की मनमोहक एवं आकर्षक छोटे छोटे सुंदर मंदिर भी भक्तों का मन मोह लेते हैं। मंदिर में हर वर्ष श्रावण सुदी 11 के दिन भरपूर मेला लगता है, जिसमें देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु आते हैं। मेले के आयोजन पर 7 दिवसीय हरि कीर्तन किया जाता है, जिसमें सभी समाज की मंडलियां एक एक घंटे तक हमेशा भजन करती है। मेले के अंतिम दिन श्रावण सुदी 13 को शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भक्ति का आनंद उठाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं और मदमस्त होकर गाते हैं। भक्त शिरोमणि मीराबाई की जन्मस्थली एवं क्रीड़ास्थली मीरा नगरी मेड़ता का यह ऐतिहासिक स्थान राव दूतागढ़ है, जो आज मीरा स्मारक के नाम से जाना जाता है। यहाँ मीराबाई से संबंधित कई अनमोल मूर्तियां एवं कलाकृतियां बनी है, जिन्हें देखने मात्र से ही एहसास होता है कि मीराबाई का जीवन काल कैसा रहा होगा। मीराबाई के जीवन के बारे में जानने के लिए देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु आते हैं और धन्य हो जाते हैं। कहा जाता है कि इसी महल में मीराबाई ने अपना बचपन बिताया और यहीं से श्री कृष्ण भक्ति में ऐसी लीन हुई कि श्री कृष्ण ने उन्हें
अपने आप में सशरीर समा लिया। मीरा नगरी के चारों ओर कुल 5 बड़े सरोवर हैं, जो कुंडल, डांगोलाई, विष्णु सागर, दूधा सागर एवं देरानी तालाब के नाम से जाने जाते हैं। यह विष्णु सागर सरोवर है। यहाँ पर कमल के फूल खिलते हैं और इस सरोवर की शोभा बढ़ाते हैं। इसके पास ही यह मीरा महल बनाम राजमहल है। कहते हैं कि यहाँ से श्री चार भुजानाथ के मंदिर तक जमीन के अंदर से आदमकद रास्ता बना हुआ था। यह है कुंडल सरोवर। इसके निर्माण के पीछे एक वृतांत मिलता है कि यहाँ स्वयं श्री चार भुजानाथ ने मीरा के भाई राणा जयमल का रूप धारण कर दुश्मनों से युद्ध किया था और उसी दौरान यहाँ श्री चार भुजानाथ के कान का कुंडल गिर गया था। उस कुंडल को खोजते खोजते यहाँ इतना बड़ा गड्ढा बन गया जिसमें बरसात का पानी भरने से उसने सरोवर का रूप ले लिया और तभी से यह कुंडल सरोवर के नाम से जाना जाता है। यह महालक्ष्मी जी एवं श्री हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर हर मंगलवार को भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और श्री हनुमान जी महाराज उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस मंदिर के पास श्री महालक्ष्मी कुंड स्थित है, जिसमें से चरण अमृत लेकर भक्त निहाल हो जाते हैं। यह मंदिर मेड़ता से अजमेर मार्ग पर स्थित है। यह श्री गणेश जी का प्रसिद्ध एवं मनोकामना पूर्ण करने वाला मंदिर माना जाता है। इसे गणेश नाडा के नाम से जाना जाता है। मेड़ता एवं यहाँ के आसपास के गांवों के लोग हर बुधवार को माथा टेकने आते हैं तथा लोगों का मानना है कि विवाह आयोजन पर सर्वप्रथम इनकी पूजा अर्चना करने वालों के कार्यक्रम में किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आती है। विवाह कार्य संपूर्ण होने पर यहाँ लड्डू व चूरमा की थाली चढ़ाई जाती है। यहाँ श्री पूर्णदास जी महाराज काफी वर्षों से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं और उन्हीं के सानिध्य में इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। मेड़ता से 6 किलोमीटर की दूरी पर सोगावास से खेडूली मार्ग पर यह स्थान स्थित है, जिसको देवरा नाडा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज एवं शंकर भगवान का मंदिर है। यहाँ श्री कमलदास जी महाराज द्वारा वर्षों से पूजा अर्चना की जा रही है।
यहां श्रावण महीने की प्रत्येक सोमवार तथा महाशिवरात्रि को मेला सा लगा रहता है और रात्रि में भजन संध्या का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। मेड़ता से लगभग 25 किलोमीटर दूर यह मंदिर भवाल माता के नाम से प्रसिद्ध है तथा भक्तों की आस्था का मुख्य केंद्र है। कहते हैं यहाँ माता जी की मूर्ति को 2.5 प्याला शराब का भोग लगाया जाता है, जो कि एक चमत्कार है। यहाँ नवरात्रा के उपलक्ष में लाखों श्रद्धालु आते हैं और मातेश्वरी से अपनी मनोकामना पूर्ति की आशा रखते हैं। कहते हैं यहाँ सच्चे मन से मांगी जाने वाली हर मुराद को माँ भवानी पूरी करती है। यहाँ साल में 2 बार मेले का आयोजन किया जाता है। यह श्री चतुर्दास जी महाराज का चमत्कारी धाम है। मेड़ता से लगभग 30 किलोमीटर दूर बुटाटी ग्राम में स्थित इस धाम पर लकवे से पीड़ित मरीजों का इलाज मात्र 7 फेरियां लगाने से सहज ही हो जाता है। यहाँ रहने व खाने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है, जिसके लिए यहाँ पर बड़ी बड़ी धर्मशाला भी बनाई गई है। यहाँ लाखों लोग अपनी तकलीफों से निजात पाते हैं और यह है मेड़ता क्षेत्र का एकमात्र राम दरबार एवं अंजनी माई का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण श्री राम मंदिर सुंदर कांड समिति एवं जन सहयोग द्वारा लगभग 21 वर्ष पूर्व सन 1991 में कराया गया। इस मंदिर में राम दरबार, वीर हनुमान जी, अंजनी माता एवं शिव परिवार के छोटे छोटे मनमोहक मंदिर बने हुए हैं। रामनवमी एवं हनुमान जयंती के अवसर पर सत्संग का आयोजन किया जाता है।